साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम करने आ रहे हैं NIOS क्लास 12 321 का TMA असाइनमेंट, जो कि आपको उन बच्चों के लिए 2023 और 24 वालों के लिए, मतलब जिनका 2024 में एग्ज़ाम है उन्हें 31 जनवरी तक जमा करने। अगर आप इसकी PDF फॉर्म चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, PDF भी मिल जाएगी, पूरा बना बनाया है, वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए शीट्स पे बनाया जाता है इतनी मेहनत से। PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस तक भी पहुंच जाएगा, हेल्प बुक भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल भी मिल जाएंगे उर्दू मीडियम में, और सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो हमसे जुड़िए, हमसे कॉन्टेक्ट करिए, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि सीनियर सेकेंडरी सतह पर होम साइंस का मुताला करने के बाद एक शख्स हुनरमंदी हासिल कर लेता है। इन हुनरमंदी इस्तेमाल करके उजरती रोज़गार या खुद रोज़गार के दो मौक़ों का जिक्र करें। तो मतलब उजरती रोज़गार मतलब सैलरी पे काम करे या खुद अपना काम कर ले, ठीक है। तो क्या वो दो काम कर सकते हैं, दो मौक़े। पहला देखें, बेकरी का काम कर ले, गिज़ा को प्रेसिस करने और महफूज रखने के लिए डब्बा बंदी का काम। दूसरा है घर से डब्बा बंद खाने की सप्लाई, गिजाई खिदमात का काम करना। ये दो काम वो कर सकता है। दूसरा सवाल है हमारे पास कि वस्त बचपन में वफोकी नशो नुमा के किन्हीं चार खसूसियात की दर्ज फहरिस्त बताएं। तो हर किस्म की नशो नुमा और इर्तिका एक बाकायदा तरतीब के मुताबिक अंजाम पाती है। हर बच्चा आमतौर पर मुतअद्दिद अदवार से गुजरता है, उसमें हर दौर की अपनी लाजमी खसूसियात हैं। इर्तिका में इनफरादी फ़र्क होता है, हर बच्चा अपनी रफ्तार से ही बढ़ता है। जिस्म का हर हिस्से की इर्तिका की शरह अलग अलग होती है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा है कि किसी होटल या कॉरपोरेट ऑफिस में हाउस कीपिंग में शामिल किन्हीं चार मुलाजमीन यानी अमला के नाम तहरीर करें। तो इसका जवाब है कि हाउस कीपिंग सोर्सेस सुपरवाइज़र है ना, हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र भी होता है, सफाई के कामों और अमले की निगरानी करता है, कमरा इंटरटेनमेंट मेहमानों के कमरों और मुश्तगर जगहों को साफ और बरकरार रखता है, चौकीदार दफ्तर के अहाते की सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी, हाउस कीपिंग मैनेजर पूरे हाउस कीपिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट का इंतज़ाम करना और उसको हमवार करने को यकीनी बनाता है, ये सारे काम होते हैं। चौथा सवाल है, इसका ए पार्ट करा है कि एक फैसला ये बताता है कि मुतबादिल इंतखाबात से कौन सा मंसूबा अमल मुंतखब करना चाहिए। फैसला लेने के लिए चार मराहिल का इस्तेमाल करते वक्त एक मिसाल की मदद से इस बयान की तौसीक करें। तसव्वुर करें कि आपको स्कूल मुकम्मल करने के बाद करियर का रास्ता मुंतखब करते हैं। फैसला साजी के चार मराहिल दर्ज ज़ेल हैं। मसले की निशानदही करें, मसला इंजीनियरिंग, तिब, आर्ट्स वगैरह जैसे मुख्तलिफ इंतखाबों में से सही करियर का इंतखाब करें। दूसरा है मालूमात जमा करें, आप हर ऑप्शन के बारे में मालूमात जमा करते हैं, जैसे कि मुलाजमत के इम्कानात, दिलचस्पियाँ, मतलूबा काबिलियत और मुमकिना तरक्की। इसके बाद भाई इसी में है तीसरा पॉइंट के मुतबादिल का अंदाज़ा करें, आप जमा की गई मालूमात का मुआजना करें और अंदाज़ा लगाते रहें कि कौन सा करियर आपके जज्बे से, महारतों और मुस्तकबिल के अहदाफ के साथ बेहतर है। एक इंतखाब करें, मोहतात तजुर्बे के बाद आप इंजीनियरिंग करने का फ़ैसला करते हैं क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी है और आप इस शोबे में इख्तियारात करना चाहते हैं। आप इन चार मराहिल पर अमल करते हुए आपने इस बयान को दुरुस्त करार दिया कि फैसला मुतबादिल इंतखाब में कौन से अमल का इंतखाब है, ठीक है। इसके बाद पाँचवा सवाल आता है हमारा, पाँचवें का भी पार्ट करा है मैंने कि कपड़े पर एक डिज़ाइन हासिल करने के लिए कपड़े की पैदावार के मुख्तलिफ मराहिल में रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है ना।
अगर कपड़े में डिज़ाइन के लिए मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले आप इसका जवाब देखें, कही हैं तो इसमें पहला पॉइंट यही है कि फाइबर डाइनिंग रंगने के अमल शुरू ही से हो सकता, जहां फैब्रिक बनने के लिए इस्तेमाल होने वाले रेशों को रंग दिया जाता है। ये पूरे कपड़े में यकसा रंग हासिल करने में मदद करता है। सूत की रंगाई मुतबादिल के रूप में सूत के कपड़े में बने या बुनने से पहले खुद ही रंगा जा सकता है। फारन रंगने से ताने बाने में पैटर्न और धारियां बनती हैं। प्लेस डाइनिंग फैब्रिक को बुनने के बाद, लेकिन किसी भी डिज़ाइन को शामिल करने से पहले पूरे कपड़े को एक ही रंग में रंगा जा सकता है। कपड़े को यकसा रंग देने का यह आसान तरीका प्रिंटिंग। मखसूस डिज़ाइन या पैटर्न बनाने के लिए प्रिंटिंग की तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है। इससे मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग या डिजिटल प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए एक कंट्रोल तरीके से रंगों को लागू करना शामिल है, ठीक है, अप्लाई करना शामिल। अब छठा सवाल है, आखिरी सवाल है इसका, असाइनमेंट में 6 सवाल होते हैं। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, उससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी उर्दू में मालूम तैयार करें। 10 ज़ेल मौदूआत में से किसी एक प्रोजेक्ट तैयार करें ग़िज़ाई तग़ज़िया और सेहत के बाहमी रिश्तों की बुनियाद पर। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जंक फूड पर मालूमात देने के लिए बूस्टर और नारे का इस्तेमाल करते हुए तग़ज़िया और सेहत के दो पैगामात का मंसूबा तैयार करें। दूसरा, खाना पकाने के लिए सोबर कुकिंग एक मुतबादिल ईंधन के तौर पर सामने आया है। सोलर कुकिंग के फ़ायदे और नुकसान पर रोशनी डालें। सोलर कुकिंग जो है तारुफ़ खुराक ग़िज़ाइत और सेहत गहरे तौर पर एक दूसरे से जुड़े पहलू हैं जो अफराद की फलाह व बहबूद में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छी सेहत को बरकरार रखने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए मुनासिब ग़िज़ाइत ज़रूरी है। पहला, ग़िज़ाइत और सेहत के लिए पैगाम, जंक फूड को ना खाएं। बूस्टर पैगाम उनवान, सेहत मंद इंतखाब के साथ अपने जिस्म को ईंधन दें। डिज़ाइन पोस्टर, फूलों सब्जियों अनाज और दालों की मसनूआत को मुतहरिक तस्वीर दिखाएं। एक तरफ इनमें उदास और गैर सेहतमंद बच्चे को जंक फूड खाते हुए दिखाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ यानी दूसरी जानिब एक खुश और तवाना बच्चे को ग़िज़ाइत से भरपूर खुराक से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाया जाए। नारा, जंक फूड को ना खाओ सेहत गवाओ। पैगाम, बूस्टर का मकसद स्कूल जाने वाले बच्चों को सेहतमंद देखने के इंतखाब की अहमियत के बारे में आगाह करना है। इसके बाद है सोलर कुकिंग के फ़ायदे, मतलब सोलर कुकिंग जो होती है इसके क्या फ़ायदे और नुकसान, यानी शमसी तवानाई से खाना पकाने के रिवायती तरीक़ों के मुकाबले में एक पायदार और माहौल दोस्त मुतबादिल के तौर पर उभरा। तो इसके अंदर शमसी तवानाई से खाना पकाने के फ़ायदे हैं। पहला है कि माहौल दोस्त, शमसी तवानाई से खाना पकाना नुकसानदेह अखराज पैदा नहीं करता, ये जंगलात की कटाई में हिस्सा नहीं डालता, मतलब लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं था। काबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया, शमसी तवानाई और काबिल तजदीद है जो इसे खाना पकाने के लिए एक नाकाबिल तलाफी वसीला बना। लागत और मौसम, एक बार जब सोलर कुकर में इब्तदाई सरमायाकारी हो जाती है तो कम अज़ कम अखराज हो जाते हैं। सेहतमंद खाना पकाना, शमसी तवानाई जो है खाना पकाने की ग़िज़ाई मवाद को महफूज रखता है। इसके बाद है शमसी तवानाई से खाना पकाने के नुकसान, मौसम का इनिसार है, मौसम धूप वाला होगा यानी जो है शमसी तवानाई सूरज की रोशनी आ रही हुई जब ही जो है ये काम करेगा। शमसी तवानाई से खाना पकाना सूरज की निसार है, अब्र आलूदा बारिश के दिनों में मुतासर होगा। खाना पकाने का, शमसी तवानाई से खाना पकाने में रिवायती तरीक़ों के मुकाबले ज़्यादा वक्त लगता है। इब्तदाई लागत,
सोलर के ऊपर इब्तदाई सरमायाकारी उससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो था आपके लिए 12th क्लास का होम साइंस का TMA था, और बना दिया था मैंने, पूरा दिखा दिया आपको। अगर आप अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता लगता रहे भाई हमारी क्या कमियाँ हैं और हम जो है उस कमियों को दूर करने की कोशिश करें। बहुत से कहते हैं आवाज़ सही नहीं है, तलफ़ुज़ सही नहीं, तो हमें बताया करें ताकि जब भी तो हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और कमेंट करके अगर अच्छी लगे तो वो भी बताया करें भाई आपकी वीडियो अच्छी भी लगती है हमें, ऑफलाइन क्लासेस लेनी वो बता दें, ऑनलाइन लेनी वो बता दें, ठीक है। आपके एड्रेस पे कोई मटेरियल उर्दू का प्रोवाइड कराना है तो वो बता दें, ऑल इंडिया सर्विस से पहुँचा देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।